हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को, जो कि 4 या 5 डिजिट का है, उसको न्यू DL फॉर्मेट नंबर में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो पर काफ़ी लोगों के कमेंट थे। लोग कह रहे थे कि सर, ये जो आपने बताया है 4 डिजिट या 5 डिजिट के DL नंबर से 15 डिजिट का DL नंबर बनाने का, इसके बाद भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस शो नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट बता रहे हैं। काफ़ी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली थी और कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तब भी नहीं दिखा रहा था इसमें, इतना डालने के बाद भी, यानी कि ओल्ड 4 या 5 डिजिट के DL नंबर से 15 डिजिट का DL नंबर बनाने के बाद भी उनका शो नहीं हो रहा था साइट पे, परिवहन की पे। तो मैंने उन लोगों DL बैकलॉग एंट्री के बारे में भी बताया था। अब ये जो DL बैकलॉग एंट्री है, इसमें भी काफ़ी लोगों का डाउट था, काफ़ी कमेंट आए थे इसके ऊपर भी मेरी वीडियो पे, उस पर तो आप देख सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, आपका भी 4 या 5 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है और साइट पे दिखा नहीं रहा है, इनकरेक्ट डाटा दिखा रहा है, या तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। और अगर दोस्तों आपका डाटा दिखाई नहीं रहा, इनकरेक्ट बता रहा है सब कुछ उस पर परिवहन की साइट पे, जब आप रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज या किसी अदर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप सभी का इस वीडियो को देखने के बाद भी, जब आप अपना जो नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे 15 डिजिट का, या फिर आपके पास पहले से ही 15 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है लेकिन उसमें डिटेल्स शो नहीं कर रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, DL बैकलॉग एंट्री करवानी होगी। DL बैकलॉग एंट्री में भी काफ़ी लोगों को डाउट था ये आके रह गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स नहीं मिलती है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बैकलॉग एंट्री करवा सकते हैं RTO, अपने RTO जाकर, जो भी आपका RTO वहाँ पे बैकलॉग एंट्री करवा लीजिएगा। तो बैकलॉग एंट्री से क्या होगा, जो भी आपका डाटा है वो सब अपडेट हो जाएगा आपके ड्राइविंग लाइसेंस में, उसके बाद आप किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे रिन्यूअल हो, डुप्लीकेट हो, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, रिप्लेसमेंट, जो भी है वो आप करवा सकते हो। आप अथॉरिटी जाके भी करवा सकते हो, और एक ऑनलाइन प्रोसेस भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें सर्च करता हूँ parivahan.gov.in, ठीक है ना, और उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट है इस पर क्लिक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। और इसमें भी डाउट होगा काफ़ी लोगों का कि सर, जो हम बैकलॉग एंट्री करवाए वो जो हमारा ओल्ड RTO है वहाँ पे करवाए या न्यू RTO पे कराए। तो दोस्तों, आप ओल्ड पे भी करवा सकते हो और न्यू RTO पे भी करवा सकते हो। अगर न्यू RTO वाले आपके DL बैकलॉग एंट्री नहीं करते हैं, तो आप पुराने RTO में अपने में करवा सकते हो। और तो मैं ऑनलाइन प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। तो आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, और उसके बाद इस पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद DL नंबर डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इसमें आपको 15 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। अगर आपका 4 या 5 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, तो मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में भी, पहले वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 15 डिजिट का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर किस तरीके से इसमें डाल सकते हैं बना के, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी, गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो मैं इसमें डाल लेता हूँ, इसमें नीचे फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इस तरीके से भी आप डाल सकते हो। तो गेट डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करते, अब इसमें आ रहा है डिटेल्स ऑफ गिवन DL नंबर नोट अवेलेबल इन द सेंट्रल रिपोजिटरी। तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसकी डिटेल्स नहीं मिल पा रही है, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो इसमें आ रहा है यू आर नाउ बींग रिडायरेक्टेड टू DL बैकलॉग एंट्री पेज। तो अब आप जैसे ओके पर क्लिक करोगे, तो जो DL बैकलॉग एंट्री पेज है उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे।
तो डीएल बैकलॉग एंट्री का ये पेज आ गया है पूरा। उसके बाद इसमें आता है इफ एनी एलएल रेफरेंस, अगर लर्नर लाइसेंस का रेफरेंस है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसमें स्टेट डालिएगा, आरटीओ डालिएगा, एलएल नंबर डालिएगा, और लोड लाइसेंस डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अगर आपके पास लाइसेंस रेफरेंस नहीं है तो इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा, और जैसे ही आप अनटिक इसको करोगे तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, डाटा एंट्री फॉर्म या पेंडिंग एडिट फॉर्म। अगर आपका जो फॉर्म है पहले से पेंडिंग है तो इसमें पेंडिंग एडिट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। डाटा एंट्री फॉर्म, डाटा एंट्री करवानी है आपको अपने डीएल में तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इशू को यानी कि स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ आरटीओ सेलेक्ट कर लेता हूँ यूपी, ठीक है ना, यूपी 16 सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने यूपी 16 सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक गौतम बुद्ध नगर आ गया। उसके बाद इशू यानी कि कहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है वो स्टेट आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे यानी कि जो आरटीओ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आपने आरटीओ सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक उस आरटीओ का नाम इसमें आ गया, और इशू डेट क्या है, फर्स्ट इशू डेट क्या है वो इसमें डाल दीजिएगा। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस डेट में इशू हुआ है, डेट मंथ ईयर इसमें डाल दीजिएगा, और अपना लाइसेंस नंबर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर डला हुआ है आपको उससे मतलब नहीं है, 15 डिजिट जो उसमें डाला है मैंने बना के जो डाला है, लेकिन जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नंबर है ना वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर न्यूमेरिक लाइसेंस नंबर है तो अगर नंबर है आपके उसमें ओनली डिजिट है जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से है तो इसमें डालिएगा। अगर स्मार्ट कार्ड है आपका, स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो वो इसमें डालिएगा। अगर ओरिजिनल डीएल नंबर है जिसमें अल्फाबेट भी यूज हुए तो वो इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद है आपका लास्ट, ओके पर क्लिक करते हैं, इसमें आता है लास्ट ट्रांजेक्शन स्टेट, आपने लास्ट ट्रांजेक्शन कहाँ किया था, पेमेंट कहाँ पे की थी, वो आप स्टेट इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन आरटीओ, आपने लास्ट जो आरटीओ में जिसमें ट्रांजेक्शन की थी, पेमेंट की थी, वो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज कीजिए आपने उड़ीसा में इशू कराया था लाइसेंस अपना, उसके बाद इसमें आ गया, एड्रेस चेंज करवा लिया आपने इसमें दिल्ली में, और उसके बाद आप उत्तर प्रदेश आ गए, तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपने दिल्ली में जो भी पेमेंट करी थी तो उसकी भी आपको ट्रांजेक्शन देनी है। अगर आप जैसे दिल्ली से हो और अब उत्तर प्रदेश आ गए हो और आपका जो इशू है ड्राइविंग लाइसेंस वो भी दिल्ली का है, ट्रांजेक्शन जितनी भी सब दिल्ली में ही हुई है, दिल्ली में आपने पेमेंट करी आरटीओ में चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो इसमें आप उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा, ठीक है ना। स्टेट दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स इसमें डाल दीजिए, नाम ये सब इसमें डाल दीजिएगा, रिलेशन फादर मदर जो भी है वो इसमें डाल दीजिएगा, फादर नेम आप सेलेक्ट करते हो तो फादर नेम इसमें डालना होगा, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दीजिएगा, और जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालोगे एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर ऑटोमेटिक नहीं आती है तो आप मैनुअल भी डाल सकते हैं इसको। ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप ब्लड ग्रुप आपका, उसके बाद इंडियन नेशनलिटी क्या है वो इंडियन हमें चूज कर ही लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप कितने पढ़े लिखे हो वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका पहचान चिन्ह क्या है वो इसमें डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट वो सब डिटेल्स इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा, जैसे मैं इसमें डालता हूँ इस तरीके से, तो तहसील हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर विलेज नहीं है तो आप इसमें भी फ्लैट नंबर स्ट्रीट ये सब इसमें डिटेल्स डाल सकते हो, और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डालने के बाद इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो परमानेंट ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। अगर प्रेजेंट परमानेंट अलग अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस इसमें डालिएगा, और जैसे इसमें डालोगे उसके बाद परमानेंट एड्रेस इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है कि लाइसेंस डिटेल, करंट डी एल डिटेल्स, आई डी पी डिटेल्स, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो इनको डालिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इतनी ही डिटेल्स डालने के बाद
ठीक है ना। इन सभी को डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आगे मांगेगा तो वो आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप पेमेंट भी मांगता है तो आप कर दीजिएगा, और उसके बाद अपने RTO विजिट कीजिएगा और वहाँ उनको बताइएगा इसके बारे में कि आपने DL बैकलॉग एंट्री ऑनलाइन कर दी है। वो आपकी डिटेल्स अपडेट कर देंगे। आपको एक काम और करना है, जैसे आप सबमिट करोगे ना उसके बाद आप चेक कर लेना, एक या दो दिन बाद चेक कर लीजिएगा। अगर एंट्री यानी कि इसके सबमिट करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर हो जाता है तो ऑनलाइन देख लीजिएगा, और नहीं भी होता तो आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद इस प्रोसेस के बाद अगर नहीं होता आपका तो आप अपने RTO विजिट कीजिएगा और वहाँ पे बताइएगा कि आपने जो DL बैकलॉग एंट्री है वो ऑनलाइन कर दी है, तो आपको अपनी जो डिटेल्स है वो अपडेट करवानी है लाइसेंस में। तो वो क्या करेंगे दोस्तों, आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे देंगे, और उस नए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से आप रिन्यूअल या डुप्लीकेट एड्रेस चेंज, नाम चेंज, जो भी आपको करना है उस नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों। अगर कोई भी आपको कुछ भी आपको इसमें दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन सभी को करने के बाद, सबमिट करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मांगता है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, जो भी मांगता है उसमें। पेमेंट का मांगता है तो वो पेमेंट भी कर दीजिएगा। तो उसके बाद जैसे इसके बाद अगर एप्लीकेशन आती है आपकी पूरी, तो उस एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिएगा, और अगर जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको RTO ले जाने होंगे। और अगर आपका पुराना लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी मांगता है तो इसमें वो भी अपलोड कर दीजिएगा। पेमेंट मांगेगा तो पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको ले जानी होगी वहाँ पे, ठीक है ना, क्या क्या ले जाना है आपको। और इसमें दोस्तों अगर अपॉइंटमेंट भी आता है ना करने के लिए, वो अपॉइंटमेंट भी आप कर दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको ले जाना होगा अगर इसमें मांगता है तो। आपको एप्लीकेशन ले जानी है, उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो ले जाने हैं, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट ले जानी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ले जानी है, और अगर आपके पास ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है तो वो भी ले जाना होगा। और वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा RTO में, वो आपको नया नंबर अलॉट कर देंगे। जो भी आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वो अलॉट कर देंगे, उसके थ्रू आप जो भी जिस सर्विस के भी लिए आपको अप्लाई करना है, चाहे DL रिन्यूअल डुप्लीकेट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और आगे मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। और जुड़ना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जैसे करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।